ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मनोज साहब ने जन घोषणा पत्र के अंदर राइट टू हेल्थ की बात की थी। कपोल कल्पित बातें करना मुख्यमंत्री गहलोत साहब की आदत में शुमार है। उन्होंने पहले भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवर कर देने वाली, गरीब को सहायता देने वाली योजना थी, उसके धीरे धीरे पर काटने का काम किया, और उसके बाद आयुष्मान योजना, मोदी केयर योजना, जो आज विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है, उसके अंदर राजस्थान के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग उसकी पात्रता रखते हैं लाभ लेने की, उस योजना को लागू नहीं करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश बना है। आज तक किसी भी प्रदेश ने इस प्रकार इस योजना के साथ जुड़ने से मना नहीं किया है। राइट टू हेल्थ की बात करने वाले आज इंश्योरेंस कवर देने से मना कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ कहाँ से देंगे, जब आज भी हमारे यहाँ 33% से ज़्यादा चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं। सुपर स्पेशलिटी लगभग 70% मेडिकल कॉलेजों में है नहीं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, और उसके बाद भी राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने कीर्तिमान स्थापित किया था, स्वाइन फ्लू में सबसे ज़्यादा मौत से मरने वाले लोग राजस्थान में थे। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सरकार संकीर्ण राजनीतिक विचारधारा के आधार पर आयुष्मान को लागू नहीं करके राजस्थान के 3 करोड़ लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। एक बड़ा सवाल कि कहा जा रहा है कि 45 साल में जो बेरोजगारी नहीं रही, वो बेरोजगारी इन दिनों अब बेरोजगारी देखी जा रही है। केंद्र सरकार जो है वो बेरोजगारी को रोकने में बिल्कुल नाकाम है। देखिए, बेरोजगारी के मापने के मापदंड समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं। पहले इसके साथ आय के साथ जोड़ने का काम किया था, अब शिक्षा के साथ जोड़ने का काम हुआ है। इसलिए मापदंड जब बदले जाते हैं तो पुराने मापदंड के आधार पर बेरोजगारी का आंकलन नहीं किया जा सकता। गहलोत साहब ने किसी को कागज किसी ने बता दिया और उन्होंने उस बात को कहना प्रारंभ कर दिया। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, उन्होंने वादा किया था कि सरकारी पदों में जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनको हम चरणबद्ध तरीके से भरने का काम करेंगे। अब तक 4 कदम चलने का काम उन्होंने नहीं किया है। आज गहलोत सरकार ने संविदा पर जो काम करने वाले संविदा कर्मी हैं उनके नियमितीकरण करने का वादा किया था, उस पर 1 कदम नहीं बढ़े। और तो और, जो ग्राम सहायक के तौर पर विद्यार्थी मित्रों का समायोजन पिछली सरकार ने किया, वसुंधरा सरकार ने किया, 25,000 लोगों का जो नवीनीकरण करने का काम था वो भी गहलोत सरकार ने नहीं किया है। टोंक में जिस प्रकार के हालात है, आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले तो आपके नेता बोल रहे थे कि उनका विधायक है वो सरकार के खिलाफ बैठे, लेकिन अब आपके विधायक भी बैठ गए हैं। देखिए, टोंक के अंदर उनियारा की जो घटना हुई, जिस प्रकार बजरी माफिया को प्रशय देने का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, बेखौफ हो गए वो। कभी धौलपुर में एसपी के पर गोली चलाने का काम करते हैं, और कभी पीट पीट कर एक गरीब ट्रैक्टर चालक को मार दिया जाता है। डीजीपी रहे हैं हरीश मीणा, बरसों का अनुभव है उनका। वो इस बात पर पहुंचे हैं कि ये हत्या है, और पहली बार राजस्थान के अंदर सत्तारूढ़ दल के 3-3 विधायक 5-5 दिन तक लगातार धरने पर बैठे, 2-2, 3-3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे, सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो जाए। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक तरफ सरकार के पर्यटन मंत्री ये बयान देते हैं कि पुलिस तंत्र विफल हो गया, और दूसरे दिन भरतपुर के एसपी तबाड़ तोड़ 8 SHO बदल देते हैं, इस बात का प्रमाणीकरण कर दे देते हैं कि मंत्री ने जो कहा वो सही है। मैं समझता हूँ जिस सरकार के मंत्री ये कहने लग गए कि पुलिस तंत्र विफल हो गया, और जिस सरकार में डीजीपी रहे विधायक आमरण अनशन पर बैठ जाए, किस प्रकार का कानून का राज है? ये कानून का राज बचा नहीं है राजस्थान के अंदर। देखिए, पहली बार राजस्थान के अंदर कंटेंजेंसी प्लान नहीं बना, सरकार मशगूल रही वोट की फसल काटने में। पहली बार जो 3 महीने का कंटेंजेंसी प्लान बनकर एक्सएन और एससी को अधिकृत किया जाता है कि वो तत्कालिक रूप से टैंकर तत्काल चलवाए, कुएं तत्काल खुदवाए, उनको उनके पास पैसा नहीं है। और दूसरी ओर जितने भी संवेदक है, चाहे वो पीएचडी के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, उनका पैसा रोकने का काम सरकार ने किया। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं संवेदक, ठेकेदार कोई काम कर नहीं रहे हैं। सरकार ने कंटेंजेंसी प्लान बनाया नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को 72 घंटे के अंदर पानी के 2 बूंद भी नसीब नहीं हो रहे, और एक एक टैंकर 8,000 से 10,000 तक बिकने लग गया है। ये सरकार की कलई खुल गई है,
जहाँ एक और बिजली की कटौती से का दंश आम आदमी सहन कर रहा है, वहाँ पानी को लेकर सरकार का प्रबंध पूर्णतः विफल हो गया है। सरकार के मंत्री ने आज तक बैठक तक नहीं बुलाई, जिलों के अंदर प्रभारी मंत्रियों ने इस पर बैठक नहीं की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए मैंने पहले कहा कि सरकारें आती है सरकारें जाती है, पर सरकार सरकार रहती है चाहे कोई सरकार हो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जिसकी सार्क देशों ने जिसकी प्रशंसा की थी, साउथ अफ्रीका ने जिसे मॉडल मानकर अपने देश में लागू किया, उसको लागू नहीं करना, उसको बंद करना, ये संकीर्ण राजनीति का दृष्टिकोण है जो हमेशा अशोक जी गहलोत के पास रहता है। और उसको बंद करके उन्होंने एक अदूरदृष्टि का परिचय दिया है। राजस्थान में पानी का संकट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जन चेतना का कारक बन गया था और जिसके कारण से वाटर लेवल ऊंचा होना प्रारंभ हो गया था, यह बड़ा दुखदायी बात है। देखिए लगातार अघोषित बिजली कटौती लगातार होती जा रही है और सरकार का तंत्र बिल्कुल विफल हो गया। सूरतगढ़ की चारों इकाइयां बंद पड़ी है, छबड़ा की दोनों इकाइयां बंद पड़ी है। हमारे समय पर आरोप लगाया करते थे हम इन इकाइयों को जानबूझकर नहीं चला रहे हैं महंगी बिजली खरीदने के लिए। मेरा आरोप है सरकार पर कि जानबूझकर हमारी बिजली संयंत्रों को बंद करके और महंगी बिजली खरीद के भ्रष्टाचार का काम करने वाली सरकार इस बात को भी भूल गई कि बिजली की मांग और आपूर्ति का अंतर निरंतरता से राजस्थान में बढ़ रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली खरीदी नहीं जा रही। मैंने पहले कहा कि आर्थिक अराजकता का दौर प्रारंभ हो गया है। आज खरीफ का ऋण नहीं दिया जा रहा किसानों को, बिजली खरीदी नहीं जा रही और सारे संपूर्ण कार्य ठप है। यानी सरकार के नाम पर मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी अपने पदों पर जरूर विराजे हैं पर सरकार का इकबाल आवाम के अंदर समाप्त हो गया है। हनुमान बेनीवाल जी हमारे NDA के घटक हैं और मैं समझता हूं कि मंत्रिपरिषद में किसको लेना किसको नहीं लेना इसका उत्तर मेरे जैसे व्यक्ति को देने का अधिकार भी नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी तय करने वाले हैं, पर उनका मान और सम्मान लगातार हमारी पार्टी में है। देखिए मैं समझता हूं कि कई बार बयानवीर लोगों ने इस कांग्रेस की स्थिति ये की है। बयान देने से पहले खाचरियावास अगर देख लेते कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की लोकसभा के चुनाव में जो पिटाई हुई है तब वो बात करते हैं। अब नाखून कटा के कोई शहीद नहीं हो सकता, पर जो मैंने बात कही वो सामने आ गई। आज कांग्रेस पार्टी के खुद के मंत्री इस्तीफा फेंक फेंक कर अंतर्ध्यान हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खुद के मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं। ये तो अपने ही जोर से टूटने वाली सरकार है, जो समय बताएगा। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।